चाहिए। अगर आपका मोबाइल का जो नंबर है वो आपको क्या कहता है, तो प्लीज आप सभी को मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, क्या कहते हैं आपके मोबाइल के नंबर, ये मैं सारी चीज़ें आज साक्षी भार्गव जी बताएंगे, आपके मोबाइल के नंबर क्या कहते हैं। और आप सभी से गुजारिश रहेगी भी जिसका भी कि क्वेश्चन होगा उसे कैमरा ऑन करना पड़ेगा, तो साक्षी भार्गव मैम जिसको बुलाएंगी उसी का क्वेश्चन होगा, अगर कोई बीच में बोलेगा तो उसे रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है सर, तो ये हमारी सबसे पहली इंस्ट्रक्शन है। तो साक्षी आपने कुछ नहीं करना, आपके पास एक छोटा सा बटन है आपके हाथ में, उसको आप हैंड रेज कर दो, तो साक्षी भार्गव मैम जिसको बोलेंगी उनका उनका उत्तर बताती जाएंगी। तो कोई भी अपना हैंड रेज कर कर पूछ सकते हैं, आपके स्विचेस बने हुए हैं आपके डैशबोर्ड के ऊपर। तो आज की क्लास को हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, तो साक्षी भार्गव मैम से कहूँगा मैम आइए और क्लास को स्टार्ट करिए। और अगर ये कोई मोबाइल का कोर्स सीखना चाहता है तो सिर्फ 7 दिन का कोर्स है 1310 रुपये में। तो पहले साक्षी भार्गव मैम को सुनिए और उसके बाद आप क्लासेस को स्टार्ट करें। तो साक्षी भार्गव मैम मेरी बात को सुन रहे हो? हाँ जी, नमस्कार मैम, नमस्कार नमस्कार जी। तो सभी से गुजारिश है कि जिसके जिसका कोई क्वेश्चन हो वो अपना अपना हैंड रेज कर सकता है। तो मैम आपका फेस नहीं दिखाई दे रहा। नमस्कार मैम, नमस्कार। जय श्री कृष्णा सभी को। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। मेरी आवाज क्लियर आ रही सबको? जी मैम। राइट, थैंक यू। जितने लोग भी साथ जुड़े हैं सबको जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। जय श्री राम। आई थिंक लास्ट क्लास में एक न्यूमरोलॉजी की मेरी पहले भी क्लास गई थी, तो उसमें मैंने यही बताया था कि अंक ज्योतिष का कितना महत्व है हमारी लाइफ में। अंक ज्योतिष को आज के टाइम में ही क्यों महत्व दिया जा रहा है, तो रीजन इज दैट कि हमारा जितना भी कार्य है, जितना भी हम काम करते हैं, तो वो टोटली अगर उस वर्क को देखा जाए तो हमारे मोबाइल पे है। तो लास्ट क्लास के बाद में आज का मेरा डिस्कशन आपके हेल्थ इश्यूज एंड योर बिजनेस एंड योर प्रॉपर्टी एंड योर प्रॉस्पेरिटी, योर नेम फेम, सबसे रिलेटेड ही डिस्कशन रहेगा मेरा। तो जैसे विपन जी ने बताया कि आप अपना हैंड अपना दिखा सकते हैं और उससे मेरा वैसा क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। पहले थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी को हाउ टू लाइक सी दैट, कि हम इस नंबर्स को कैसे देखते हैं। नंबर्स की ही दुनिया है, नंबरों के अकॉर्डिंग आजकल हम चल रहे हैं। और घर में देखो, जब अपनी बाइक को देखो, कार को देखो, तो भारत में सबसे ज्यादा अंक ज्योतिष को महत्व देने वाले एक साइंटिस्ट थे, क्यूरो। क्यूरो ने ही अंक ज्योतिष को भारत में प्रमोट किया। अंक ज्योतिष वैसे हमारी सनातन संस्कृति से ही चलते आ रहे हैं, जो कि अगर जीरो को भी देखो तो आर्यभट्ट ने ही रिसर्च की थी। अगर इतने विद्वान लोग, जो इतने सीनियर लेवल पे जिन लोगों ने रिसर्च की नंबरों की, या फिर नंबरों को जीरो से ही शुरुआत की, तो इनका कंसर्न हमारी लाइफ के साथ कैसे अटैच हुआ? क्योंकि एक नंबर न्यूमरोलॉजी में सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, 2 नंबर चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है, 3 नंबर जुपिटर को, 4 नंबर राहु को और 5 नंबर बुध को, 6 नंबर वीनस को, 7 नंबर केतु को और 8 नंबर शनि देव को, एंड देन 9 नंबर इज मंगल। तो ये न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग जो हमारे 9 नंबर्स हैं, इनका प्लैनेट्स के साथ अटैचमेंट, प्लैनेट्स के जो नेम्स दिए गए हैं वही नंबर्स हमारे साथ भी चलते हैं। हमारी डेट ऑफ बर्थ देख लो, जिस दिन पैदा होते हैं तो वो डेट होती है, जिस दिन हम जन्म लेते हैं तो उसमें महीना भी कोई ना कोई चल रहा होता है, ईयर भी कोई ना कोई चल रहा होता है। तो ज्योतिष विद्या में अगर देखा जाए, अगर हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं या रेड बुक को मानते हैं, या फिर वास्तु का आज के टाइम में बहुत महत्व है, वैसे ही कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में नंबर्स को भी ठीक करके, मोबाइल नंबर्स को ठीक करके अपना काम या फिर आपकी सोर्स ऑफ इनकम या आपकी हेल्थ आप ठीक कर सकते हो। जितनी की रिसर्च मैंने की है अंक ज्योतिष के अकॉर्डिंग, बहुत लोगों को देखा है कि जिनके नंबर में ज्यादा 444 होता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं।
रीजन इज दैट कि हम ये कोई ऐसी फालतू की बात नहीं कर रहे कि चार चार नंबर अगर किसी की कुंडली में या फिर या किसी की मोबाइल नंबर में है तो वो क्यों इफेक्ट करता है ज्यादा। द रीजन इज दैट कि दैट इज द डिपेंडेबल, वो चार नंबर राहु को ही रिप्रेजेंट करता है। चार नंबर एस्ट्रोलॉजी में न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग राहु प्लेनेट को दिया गया है, एक नंबर सूर्य को दिया गया। मींस कहने का कि कहते हैं ना कि जैसा हम भोजन खाते हैं वैसा ही हमारा मन होता है, जैसे वस्त्र पहनते हैं वैसा ही मन होता है। अगर हम सात्विक भोजन कर रहे हैं तो हमारा मन सात्विक रहता है, अगर हम तामसिक भोजन खाते हैं तो हमारा मन भी वैसा ही रहता है तामसिक। तो ये सारे लॉजिकल और एस्ट्रोलॉजिकली ही ये बातें हैं कि लाइफ में अभी देखा जाए तो टोटली हर किसी की लाइफ में मोबाइल के अकॉर्डिंग हमारी ट्रांजेक्शन होती है, पेमेंट सारी लेना देना भी मोबाइल्स के अकॉर्डिंग होती है। तो जैसे एक बच्चे को हम गोद में इतना प्यार करते हैं, उठा के रखते हैं, तो हमारा मोबाइल भी कई बार गिर जाता है तो एक दिन एकदम से हम घबरा जाते हैं कि हमारा कहीं मोबाइल टूट ना गया हो, चाहे वो 2,000 वाला हो, चाहे 2 लाख वाला हो, चाहे 20,000 वाला हो। दैट इज द सेम थिंग कि मोबाइल आजकल हमारा एक बच्चे की तरह ही हमारे साथ रहता है। उस बच्चे के साथ 9 प्लेनेट भी रिप्रेजेंट करते हैं। द रीजन इज दैट कि आपके मोबाइल के नंबर में 10 डिजिट होते हैं, और वो जो 10 डिजिट है, 9 नंबर, अगर पहले 9 नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो देखते हैं वो 9 के 9 नंबर प्लैनेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो दैट इज द सेम थिंग कि हमारी लाइफ काफी हद तक मोबाइल के साथ कितनी जुड़ी हुई है। घर में हम चाहे हाउस वाइफ हैं, या फिर हम कोई वर्किंग वुमन है, या फिर हम अपना नेम फेम चाहते हैं, या हमारी हेल्थ इश्यूज हो रही है, कहीं ना कहीं जब भी आपकी डेट ऑफ बर्थ में महादशा, अंतरदशा, पत्यंतरदशा या फिर सूक्ष्म दशा आएगी तो प्लेनेट का ऊपर नीचे होना वो स्वाभाविक ही है। हम देखते हैं कि मान लीजिए महादशा मंगल की है तो अंतरदशा कहीं भी अगर शनि की आएगी तो चोटें लगनी शुरू हो जाती हैं, हमारे एक्सीडेंट होने शुरू हो जाते हैं। जुपिटर की महादशा है तो पूरी बॉडी के साथ 12 की 12 राशियां रिप्रेजेंट करती हैं, वैसे ही मोबाइल के 10 नंबरों में 9 नंबर प्लेनेट को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें टोटली हमारे मोबाइल नंबर्स की हमारी राशियों के साथ, हमारे नक्षत्रों के साथ और हमारे घर के वास्तु के साथ भी उतने ही रिलेटेड हैं। तो हम लोग शायद जिन लोग जो लोग नए जुड़े हुए हैं उनके लिए तो ये बहुत नई चीज होगी कि मोबाइल नंबर को हम अपने साथ कैसे जोड़ सकते हैं। वही मैंने आपको पूरी वार्तालाप बताई कि 9 नंबर्स 9 के 9 प्लैनेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हमारे मोबाइल नंबर में इन नंबरों का अच्छा या बुरा, हमारा मोबाइल नंबर लक्की होना या अनलक्की होना, जो हमारे साथ अच्छी हैपनिंग्स होना या बुरी हैपनिंग्स होना, कहीं ना कहीं हमारे मोबाइल को बहुत निर्धारित करता है। तो ये था मोबाइल का न्यूमरोलॉजी का पॉइंट कि हम कैसे देखते हैं। अगर इसकी आपने पूरी स्टडी लेनी होगी अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ, आपको लक्की नंबर कौन सा है और अनलक्की नंबर कौन सा है, तो 5 तारीख को हमारी क्लास शुरू हो रही है न्यूमरोलॉजी की, वो आप विपिन जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आपने क्लास नहीं अटेंड करनी होगी, जस्ट यू वांट टू चेंज योर मोबाइल नंबर, सम पीपल्स की हमें क्लास तो ज्वाइन नहीं करनी, हमारा मोबाइल नंबर हमारी लाइफ के साथ कितना इफेक्टिव है कितना इफेक्टिव नहीं है, तो उसके लिए आप पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं आप विपिन जी से। चलिए आते हैं अब आपके साथ, सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। मोबाइल नंबर आप जय श्री अपना बालाजी की। मुझे बता सकते हैं। मैं सबसे पहले आपका, किसी का कोई क्वेश्चन होगा वो भी मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगी। सबसे पहले ये जागृति दिखाई दे रही है मुझे, मैम आप अपना क्वेश्चन पुट कर सकती हैं। मेरी आवाज आप तक आ पा रही है क्या? ये आ हाँ रही जी है। मैम, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। हाँ जी मैम, कैसे अपन बर्थडे से मोबाइल नंबर रिलेट कर सकते हैं मैम? डेट ऑफ बर्थ से भी आप रिलेट कर सकते हैं। पहले मुझे आप अपना मोबाइल नंबर बताएं। 9969 9969 367 367 459 459 मैम, आपका कोई क्वेश्चन? वही मनी रिलेटेड प्रॉब्लम। मैम मनी की तो बात की बात है, पहले हेल्थ इश्यूज बताइए, आपकी हेल्थ इश्यूज कैसी हैं? हाँ, हेल्थ प्रॉब्लम है, जॉइंट पेन। मैम सर्जरी तो नहीं हुई कोई आपकी?
नहीं सर्जरी नहीं। ओके मैम, देखिए आपका मोबाइल नंबर का जो आप जॉइंट पेन कह रहे हो, जो आपकी बॉडी से, वैसे भी मैम इस एज में आके चलो कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम्स तो क्रिएट होती है, लेकिन ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब आप बोलिए डेट ऑफ बर्थ जल्दी से बोलिए। 12/9/62 1962। आप किसी ने भी क्वेश्चन मुझे पुट करना होगा तो अपने मोबाइल नंबर को पूरी डिजिट को प्लस करके रखिए। प्लस करने के बाद देखिए कि आपकी नंबर कौन सा आ रहा है। जितने भी लोग साथ जुड़े हुए हैं, जब भी मैं क्वेश्चन पुट करूंगी अपने मोबाइल नंबर को आप प्लस करके रखिए। चाहे एक नंबर है आपका मोबाइल का, चाहे दो नंबर है, उसको प्लस करके रखिए कि पूरे नंबर की आपका डिजिट कौन सा आएगा। चलिए मैम जागृति मैम आप पे आती हूँ। फाइनेंशियल तो मैम दूर की बात है, सबसे पहले आप हेल्थ इश्यूज ठीक कीजिए अपनी। मैम देखिए आपका मोबाइल नंबर अगर देख रहे हो 99 मंगल की पावर दी हुई है, वीनस शुक्र, शुक्र को मंगल ने आके फिर खत्म किया हुआ है, जुपिटर, फिर वीनस, फिर केतु, फिर राहु का चार नंबर लास्ट में आ गया आपका, और फिर बुध, फिर आपका आ गया मंगल। मैम जस्ट आप अपने हेल्थ इश्यूज को ठीक करने के लिए आप अपने मोबाइल नंबर में लास्ट डिजिट 333 कीजिए। तीन बार थ्री हो, चार बार हो, जब पांच बार हो, क्योंकि आपको ज्वाइंट पेन है मैम। ज्वाइंट पेन कहीं ना कहीं जुपिटर से रिलेटेड होती है, राइट? तो अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए आप अपने मोबाइल नंबर में लास्ट डिजिट 333 लीजिए, और उसके बाद आप एक बार किसे कॉन्टेक्ट कर सकती हैं। तो फाइनेंशियल को अगर देखा जाए मैम, फाइनेंशियल आपका आपके थ्रू नहीं खराब हुआ, आपके परिवार के थ्रू खराब हुआ है। कहीं ना कहीं जो आपके मोबाइल नंबर की मैं डेट ऑफ बर्थ देख रही हूँ 1962, मैम धार्मिक बहुत हो आप, पाठ पूजा में लीन रहती हो, राइट मैम? अपने घर का अगर नंबर को देखती हो, 9 नंबर मंगल ने पावर दी हुई है, फिर आपका 1962 शुक्र ने आपको जिंदगी में अनमेरिड टाइम बहुत लग्जीरियस दी होगी, लेकिन मैरिज के बाद चंद्रमा ने आपको कहीं ना कहीं डंप कर दिया, चाहे पति के बाद, पति से, पति के थ्रू दुख मिले हो, या औलाद के थ्रू दुख मिले हो, या रिश्तेदारों से दुख मिले हो। तो मैम आप देखो जितनी आपकी लाइफ है अभी, आप जो आपकी डेट ऑफ बर्थ में लास्ट नंबर दो नंबर आ रहा है मून का, चंद्रमा अपना बैलेंस कीजिए मैम, चांदी के ग्लास में पानी पीना शुरू कीजिए, अगर नहीं तो अमावस्या वाले दिन मैम आप गरीबों को दान करना शुरू करें, अपना मून ठीक कर लें, चंद्रमा ठीक कर लें, तो आपकी हेल्थ इश्यूज, आपकी फाइनेंशियल इश्यू कहीं ना कहीं ठीक होनी शुरू हो जाएगी, राइट? और मैम थोड़ा खुश रहा कीजिए, जिंदगी भर टेंशनें चलती हैं, भगवान कृष्ण भी दुखों से ही निकले थे, लेके क्या जाना है साथ, कुछ नहीं लेके जाना। अगर आप भगवान कृष्ण की जर्नी देखोगे ना, जेल में पैर हुए, नदी को पार किया, थोड़े से बड़े हुए पूतना आ गई, फिर उसके बाद थोड़े बड़े हुए कालिया नाग आ गया। मैम भगवान कृष्ण की जिंदगी में पूरी लाइफ देखोगे तो दुखी दुख रहे हैं, सही? भगवान श्री राम को भी देख लो। तो आपके नंबर है मैम दो नंबर जो डेट ऑफ बर्थ का है, एंड देन आपकी मोबाइल नंबर में 4-5-9 जो लास्ट डिजिट है ये चेंज कर दीजिए। मैम मैं भगवान तो नहीं हूँ, मैं भी एक जस्ट, मैं एक जैसे डॉक्टरी करते हैं वैसे मैंने ये स्टडी की है, जस्ट दिस इज द कैलकुलेशन, 70% आपकी लाइफ आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपके मोबाइल नंबर से चेंज हो जाएगी, चेंज हो जाती है, राइट? और बस मैम जब भी अमावस्या आए उन दिनों में आप बहुत ज्यादा डिसपॉइंटेड होती होंगी, कभी भी नोट करके देखना आप, कभी भी फुल मून, फुल मून में भी ज्यादा रहता है ऐसा लग रहा है कि फुल मून के आसपास। आप इंग्लिश में बोल रही हो, मैं हिंदी में बोल रही हूँ, अमावस्या, बस इतना ही फर्क। नहीं मैं पूनम, पूनम का बता रही हूँ, फुल मून पूर्णमाशी में बोल रही हो, ओके हाँ फुल मून। अभी मैं व्रत रखने को तो आपको नहीं बोलूंगी इस उम्र में, बस आप चांदी के ग्लास में पानी पीना शुरू कर दीजिए, और सेकंड 1962 जो टू नंबर आपका डेट ऑफ बर्थ का है, मुझे नहीं पता मैम पर्सनली आपको अपनी आपकी औलाद से दुख मिले हो या आपको आपके पति से दुख मिले हो, तो मैम उस चीज से बाहर निकलिए। बाकी लाइफ को देखिए, मून जिसका भी कमजोर होता है उसको चंद्रमा के अकॉर्डिंग भगवान कृष्ण जी की आराधना करनी चाहिए, जय शिव की। किसी का सूर्य वीक है तो उनको भगवान श्री राम की आराधना करनी चाहिए। मैम पांच देवी देवता मत पकड़ो, एक ही बाप बनाओ, एक ही कृष्णा, कृष्णा की ही करती हूँ मैं। गुड मैम, कृष्ण जी का ही मंत्र जाप कीजिए, आपकी लाइफ काफी हद तक अच्छी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन ले रही हूँ मैं नेक्स्ट, पूरा नाम नहीं एक तो आ पा रहा, अतुल, अतुल जी आप बोलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैं मेरा मोबाइल नंबर बोलूं या
9460 9460 9460 2464 2464 17 17 मेरी टोटल आईडी 43 और इसमें टोटल कर दिया उसमें लास्ट आ रहा 7 नंबर। ओके डेट ऑफ बर्थ बोलिए फटाफट। 14 जून 1985 इसकी भी टोटल 7 आई लास्ट नंबर है। ओके देखिए काफी हद तक ये नंबर आपका सही है राइट अतुल जी। देखिए अभी तक आपको क्वेश्चन में आपका ले लूंगी लेकिन मैं मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ से बता रही हूँ। पूरे कैलकुलेटिंग पर्सन हो कहीं भी पैसा छापना हो आप अपने ब्रेन से छाप लेते होगे। बिजनेस क्या करते हैं आप? मेरा कंप्यूटर का बिजनेस है और मेरे मैन्युफैक्चर मसाले का खुद का मैन्युफैक्चर। ठीक है ना, मसाले बनाइए कंप्यूटर बनाइए 7 नंबर हो बल्ले बल्ले है। और सेकेंड अगर पैसा लेकिन बैलेंस जो करना है ना बैलेंस के लिए अगर हो पाए तो आप अपने नंबर में आपका मोबाइल नंबर पूरा साथ है ना आपकी डेट ऑफ बर्थ भी साथ है सूर्य को बलिदान कीजिए। ठीक है मैं सूर्य को रोज पानी चढ़ाता हूँ सुबह। शंख में लाल चंदन डाल के शुरू कीजिए आप आपका मसाले का काम बढ़ जाएगा और कंप्यूटर आप खुद ही बनाने शुरू कर दोगे। ओके राइट और लकी नंबर अगर लेना है तो विपिन जी से मेरी अपॉइंटमेंट ले लेना। एक वीआईपी नंबर लीजिए क्योंकि जो आपकी एज देख रही हूँ जो 14 देख रही हूँ मरकरी को रिप्रेजेंट हो रहा है आपका 5 नंबर। इमोशनल हो हर किसी का साथ देने वाले हो मरकरी को रिप्रेजेंट कर रहे हो गणपति भगवान की पूजा किया करो। बाकी आपको ईस्ट है आप उनको मानिए पूजा कीजिए। मसाले के बिजनेस में 2023 सितंबर के बाद आप इन्वेस्टमेंट करोगे अप्रैल तक इन्वेस्टमेंट मत करना। ठीक है 23 अप्रैल मूव होते ही सितंबर में जाके आप एक बड़ा बिजनेस शुरू करोगे। ओके राइट ठीक है। और उसके लिए आप नंबर यू हैव टू चेंज योर नंबर बट 7 नंबर इज योर मोबाइल नंबर एंड 7 नंबर इज योर डेट ऑफ बर्थ दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट डू इट। अच्छे से भगवान रोटी दे रहे हैं ना? हाँ मस्त है। हाँ गाड़ी वाड़ी है ना? हाँ बनाइए कंप्यूटर और आगे चलिए मसाले एमडीएच बनेंगे आने वाले टाइम में आपके पास हमको यही यही आशीर्वाद चाहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्ण जय श्री कृष्ण। हाँ जी नेक्स्ट कॉल लूंगी मैं ये सुबह सुबह SUB सर आपका पूरा नाम बोलिए। डॉक्टर सुभाष चंद्र भार्गव। भार्गव हो मेरे ही गोत्र के हो। जय श्री राम। जय श्री राम। क्या गोत्र है आपका? अथवा कुलदेवी है मगर वो है। ओके सर जी बोलिए आपका मोबाइल नंबर बोलिए। 9654 24 5103 39 का 3 और मेरा है 12/6/1948 12/6/1948 इसका भी कंडक्टर 3 है। सर हमेशा ही लीडरशिप क्वालिटी में रहे हो आप रोबदार बंदे रहे हो आप। ठीक है झुकने वाला आपके नंबर में है ही नहीं है। आप जिंदगी में कभी झुके नहीं होगे आज भी नहीं झुकोगे आप राइट। द नंबर इज देयर योर नंबर इज डेट ऑफ बर्थ इज 3 नंबर जुपिटर को रिप्रेजेंट कर रही है एंड 6 नंबर इज जिस 6 मंथ में पैदा हुए वीनस एंड देन 1948 कई लीडरशिप क्वालिटी में लड़ाई लड़ाई लड़ी है क्या जंग जुंग लड़ी कोई नहीं लड़ी फिर ठीक है। आपका 1948 के अकॉर्डिंग देख रही हूँ सर आपकी लाइफ अच्छी है कोई खास मेजर प्रॉब्लम मुझे दिख नहीं रही। मोबाइल नंबर में 03 जो लास्ट है आपका ठीक है आपको नेम फेम पैसा अपनी मेहनत से मिला ही होगा। अब आप कोई क्वेश्चन है आपका बता दीजिए मुझे। म्यूट खोलिए सर म्यूट खोलिए। सॉरी हमें ग्रीन कार्ड अप्लाई करना है। ग्रीन कार्ड अप्लाई करना है कौन सी कंट्री का सर? यूएसए। यूएसए कोई नंबर बोलिए सर 1 से लेके 254 तक। 94 94 यही मेरा कंडक्टर है। 4 महीने के बीच बीच आप ग्रीन कार्ड अप्लाई करिए आपका ओके हो जाएगा। ओके डन पार्टी दे देना सर पक्का। आप अभी आ जाइएगा 12 मार्च हमारे यहाँ मार्च को यहाँ पे पीतमपुरा के अंदर प्रशांत विहार में क्लब उसमें जो अग्रवाल धर्मशाला है वहाँ फंक्शन कर रहे हैं।
ओके सर, दिल्ली भार्गव सभा। सर आपका 94 आपने बोला है, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग 1 से लेके 254 के बीच आपका नंबर बन रहा है, 9, 1, 10, 3 और 4। 4 नंबर बन रहा है अप्रैल, अप्रैल के बाद आपका ग्रीन कार्ड आप करिए, आपकी एंड जो लाइफ है यूएस से ही निकलेगी, भारत की धरती से जुपिटर ले जाएगा आपको। फाइन, थैंक यू सर, जय श्री कृष्णा। यस, नेक्स्ट कॉल ले रही हूं मैं। ये है पीएपी, पूरा नाम तो नहीं आ रहा। जय श्री बालाजी की। जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी। हाँ जी बोलिए। 9 7 9 7 8 3 8 3 8 6 शहर पूछेगा कौन सा शहर है इनके साथ। हाँ जी, सीकर, इनसे पहले सीकर, सीकर सीकर साला सर। एक मिनट सर, एक मिनट, विपिन जी क्या बोल रहे हैं? सबसे पहले ना आप इनसे शहर पूछा करिए। ओके सर, हाँ जी, आप कहाँ से हैं, कौन सी सिटी से हैं? मैं साला सर सीकर राजस्थान से, साला सर सीकर राजस्थान। साला सर से हैं, बालाजी के पास ही हैं आपको, चलिए बताइए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जी 9 7 8 3 हाँ जी 8 8 6 5 2 0 7 8 6 5 2 7 0 7 07 9 7 8 3 8 6 5 2 0 7 ओके, डेट ऑफ बर्थ बोलो। 23 जनवरी 1981 आपका मोबाइल का पूरा नंबर क्या बन रहा है पूरे जोड़ने पे? हाँ जी, जोड़ा नहीं मैडम मैंने तो, फटाफट जोड़िए। आप सभी जो भी मुझे क्वेश्चन पुट करेगा अपने मोबाइल नंबर को पूरा प्लस करके रखिए नंबरों को, क्या नंबर बन रहा है आपका। चलिए तब तक आपको बताते हैं 23 और 2 5 8 9 7 मंगल केतु, उसके बाद देखो। भैया आप काम क्या करते हो, अभी तक आपकी स्टेबिलिटी नंबर से नहीं दिख रही। काम तो पत्रकारिता का अपना, पत्रकारिता का करते हो, बिजनेस कोई उसी से इनकम है आपकी। हाँ जी, देखिए आपका जो नंबर है मोबाइल नंबर, पहले तो इसको आराम से लेके आके जा तो पीछे 3 7 लीजिए, 3 3 लीजिए, 3 5 लीजिए, जा फिर 3 1 लीजिए, अगर जिंदगी को चेंज करना है, नहीं तो ऐसे चल रही है आपकी जिंदगी, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ठीक है। अगर कल को आप बिजनेस में आना चाहते हो, कोई काम करना चाहते हो, तो आप विपिन जी से अपॉइंटमेंट ले लेना मेरी, अपना मोबाइल नंबर चेंज कीजिए, राइट। और आपकी डेट ऑफ बर्थ को देख रही हूं 23/8 मेरा कैमरा, देखिए मरकरी और जुपिटर को रिप्रेजेंट हो रहा है, आप अपने हाथ में आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ को प्लस कर रही हूं तो 3 नंबर आ रहा है। अपने भाग्य को जगाइए आप, अपने ईस्ट जो भी आपके कुल देवी देवता हैं उनको जागृत कीजिए, उनको मनाइए और जिंदगी आपकी और आगे आगे जाए। अभी जो ये 50-50 चल रही है ना, इसको बढ़ाए, और 3 नंबर जो आपका पूरा मूलांक, मूलांक आपका 5 नंबर 23 तारीख को पैदा हुए है, जनवरी में पैदा हुए है, यारी दोस्ती आपकी बहुत ज्यादा होगी, बहुत प्यार बड़े होंगे रिश्तेदारों से, सबसे आपका प्यार होएगा, आप अपनी तरफ से रिश्ते निभाते होंगे, लेकिन आपका जो पूरा डेट ऑफ बर्थ प्लस करो तो 3 नंबर जुपिटर का है। अपने भाग्य को जगाओ, भाग्य को जगाने के लिए ग्रीन पेन से या फिर रेड पेन से 3 नंबर आपने ये शुक्र के माउंट पे डेली बनाना है, अंगूठा, देन उसके बाद ये जो पूरा माउंट है ना शुक्र का, हमारे हाथ में पूरे के पूरे प्लेनेट है, पूरे के पूरे नंबर हमारे हाथों में ही है, यहाँ अपने 6 नंबर बनाना शुरू कीजिए, 3 नंबर सॉरी, अपने भाग्य को जगाए आप, और असमंजस मत रहा करिए, कोई भी काम है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल जहां भी आपका कम होता होगा, आप वहां डंप होते हो गए, उसके लिए नंबर को चेंज कर लीजिए, ठीक। सूर्य का नंबर लेके आए, मरकरी का नंबर लेके आए, कुछ ऐसा नंबर ले लीजिए। और कोई क्वेश्चन आपका? मोबाइल नंबर चेंज करने हैं ये? अरे भाई देखिए, अब मैंने आपका नंबर याद करना हो 9 7 8 3 8 6 5 2 0 7 कितना डिफिकल्ट नंबर है, एक वीआईपी नंबर लीजिए ना, 9 7 7 समथिंग करके लीजिए, लास्ट डिजिट 1 1 लीजिए, सूर्य का, जुपिटर का लीजिए 3 3, सूर्य का लीजिए 1 1,
ऐसा नंबर लीजिए, नंबर चेंज कीजिए, फिर आपके जो आप पत्र पत्रकार हो ना, आप बिजनेस भी करिए कोई ना कोई साथ, क्योंकि आप पांच नंबर बुद्ध को रिप्रेजेंट कर रहे हो। अभी कोई कर रहे हैं बिजनेस साथ? म्यूट, आप म्यूट खोलिए अपना। ब्यूटी पार्लर का बिजनेस भी है, फैंसी स्टोर ब्यूटी पार्लर का। ये क्वेश्चन मैंने पहले पूछा कि आपका बिजनेस है कोई, मरकरी का बिजनेस है? छह नंबर लीजिए, पीछे छह छह नंबर ले लीजिए। अपनी न्यूज एजेंसी भी है। देखो आप पूरी ही मीडिया के साथ हो, फैशन के साथ हो, मेकअप के जो उसमें आ गए हो, पांच नंबर मरकरी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो अच्छा है। बस आप छह छह नंबर ले लीजिए पीछे, तीन छिके ले लीजिए, चार ले लीजिए, देन आपकी लाइफ बहुत चेंज हो जाएगी, बिजनेस आपका अच्छा चलेगा। लेकिन फिलहाल 50-50 है कि नहीं, 50-50 को 60-70 कीजिए, डन। जय श्री कृष्णा, जय श्री पाल बालाजी। चलिए अगला क्वेश्चन लूंगी मैं, पूरा नाम नहीं आ पा रहा किसी का जी। आप लीला, क्या है आपका नाम? एल डबल ई। ये लेडीज मुझे दिखाई दे रही हैं अभी जी। यस मैम जी, हाँ जी, हाँ जी मैम बोलिए, मैम म्यूट खोलिए अपना। आवाज नहीं आ रही मेरी, आवाज क्लियर आ रही है क्या आपके पास? हेलो, हाँ जी यस मैम, आपकी बात क्लियर है। ओके चलिए, वो डिस्कनेक्ट हो गई, हम अगली कॉल ले लेते हैं। अगली कॉल है ये राहुल जी, आप बोलिए। यस मैम, राधे राधे मैम। राधे राधे मैम, मेरा नंबर है 9572 क्या करते हो भाई, कोई स्मगलिंग स्मगलिंग तो नहीं करते? हाँ बहुत सिंपल से एस्ट्रोलॉजर है, तूने नंबर ही बड़ा जादू भाई लिया हुआ है। नंबर तो बहुत यूनिक है, लेकिन इसका कोई बेनिफिट लाइफ में नहीं आ रहा। अरे भाई बात पता क्या है, तुम्हारा नंबर ना 222244444 बड़ा जादू और रहस्यमय नंबर है। देखो भाई क्या करते हो आप? मैं स्टूडेंट हूँ और एग्जाम का तैयारी करता हूँ। एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्या आगे क्या प्लानिंग है आपकी? आगे मैं गवर्नमेंट जॉब में कुछ सेटल होने का प्लानिंग है। नहीं जा पाओगे इस नंबर से गवर्नमेंट जॉब में, डेट ऑफ बर्थ बोलो अपनी। 17/11 हाँ जी, 17/11 1997। कौन से डिपार्टमेंट में ट्राई कर रहे हो गवर्नमेंट जॉब के लिए? पुलिस बैरक एरिया में। पुलिस में जाना चाह रहे हो? यस। 7 और 1 8 8 इसका 9 आता है, मैं ऐड करता हूं तो उसका। पूरी डेट ऑफ बर्थ का कितना नंबर है आपका? 9 नंबर 7 और 1 8 देखो भाई पार्टी दे देना, तुम्हारी गवर्नमेंट जॉब पक्की है। यस। 2023 और 24 और 25 आई थिंक 23 के एंड तक ही तुम्हारी गवर्नमेंट जॉब पक्की है। तुम जाओ चाहे पुलिस डिपार्टमेंट में, तुम बोलो कांस्टेबल, तुम बोलो लाइक वो क्या होता है डीएसपी एसपी, कुछ भी बनो, बट तुम्हारी गवर्नमेंट जॉब, बैंक में भी जाओगे तब भी तुम्हारी गवर्नमेंट जॉब पक्की है। किसी भी लाइन में जाओ, तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग तुम गवर्नमेंट जॉब में जाओगे ही जाओगे, राइट? बट जो आपकी ये स्टडी, आपके जो माइंड सेट है अभी डिस्टर्ब है कहीं ना कहीं, नंबर चेंज करो, ठीक है? आगे 999 एंड देन जो लास्ट नंबर है 444 हटा दो। यस मैम, इसको मैं सेकेंडरी नंबर यूज कर सकता हूँ। दो 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 जितने भी चंद्रमा के नंबर रखे हैं हटा दो, इमोशनल रहोगे, ठीक है? पुलिस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो भाई, वहां तो फेंटा उतारना पड़ेगा, चोर चोरी करके भाग आएगा तो क्या करोगे? हाय रोना आ जाएगा, चल छोड़ देता हूँ। तो ये नंबर इमोशनल करेगा, लेकिन 444 जो आपका पीछे है बहुत ही शातिर दिमाग और कैलकुलेटिंग माइंड रहेगा आपका। बट राहु आपको बहुत भ्रमित भी करता होगा, रात को आधा दिन नींद आती होगी, आधा दिन नींद नहीं आती होगी आपको। मैं 12-1 बजे तक सोता हूँ, उसके बाद 6
छह बजे तक नींद तो कम आती है, तोड़ती है ना नींद। हाँ तो भाई पुलिस डिपार्टमेंट में जा रहे हो, भारत की रक्षा करोगे, भारत के लिए काम करोगे, अगर नींद प्रॉपर नहीं रहेगी ना आपकी तो डिस्टर्ब रहोगे। गवर्नमेंट जॉब 101% है राहुल, ठीक है, मेरा छोटा भाई भी हो सकते हो, बड़े भी हो सकते हो। तो और दूसरी बात, जिंदगी में सक्सेस होने के लिए अपने मोबाइल नंबर में अगर पुलिस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो तो लास्ट डिजिट 111 लो, दो नंबर आपके नंबर में नहीं होना चाहिए, ठीक है। बहुत मेहनत इंसान हो, मेहनत से पढ़ रहे हो, मेहनत से स्टडी कर रहे हो, और ठाकुर जी करे आपकी गवर्नमेंट जरूर जॉब जरूर लगेगी, राइट। यस एक क्वेश्चन और है, क्या मैं कॉलेज लाइफ शुरू कर सकता हूँ या फिर तैयारी कर सकता हूँ? कॉलेज लाइफ में जाने का मौका मिल रहा है अभी अपने लिए, पूछ ले रहे हैं उनसे, क्या पूछे उनके लिए पूछे क्या? कॉलेज लाइफ में आप डिस्क्रेट हो गए राहुल, चलो कोई बात नहीं, आप विपिन जी से बात कर लेना एक बार और वो आपको बाकी की डिटेल अपॉइंटमेंट पे बता देंगे। मैं आप नेक्स्ट कॉल लेती हूँ फटाफट जी, नेक्स्ट कॉल लेते हैं हम। मैम मेरा बता दीजिए, मैम मुझे दिख ही नहीं रही तो आप, मैं किसका बताऊं? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा बोलो। हम तो भाई भारतीय है, इवनिंग बोलते ही नहीं है, क्या करें। जय श्री कृष्णा मैडम। जय श्री कृष्णा। चलिए आप ये अपना PAN करके जिनका नेम शुरू हो रहा है इनसे बात करते हैं। सर म्यूट खोलिए। मैम मैम या मैम चलिए। यस हाँ मैम, मेरा डेट ऑफ बर्थ 8/6/1980 है मैडम। 8/6/1980 एट और फाइव आता है मैडम, टोटल फाइव आता है। टोटल फाइव आ रहा है, ओके। मोबाइल नंबर बोलिए। मोबाइल नंबर 9399995807 सर सच बताना, स्पोर्ट्स में हो, किस में हो, क्या काम करते हो सर आप? वास्तु का काम करता हूँ मैडम। वास्तु का काम करते, इससे पहले क्या करते थे? इसके पहले क्रिकेट खेलता था मैडम। डन 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 या वही मैं बागेश्वर धाम की तरह कोई चमत्कार नहीं हूँ, ये मेरी स्टडी है, लेकिन उनके पास सचमुच चमत्कार है, राइट। की तरह आपकी डेट ऑफ बर्थ बता रही है कि आप स्पोर्ट्स में रहे होंगे, जी जी मैम, राइट। और डेट ऑफ बर्थ को प्लस करके जो नंबर आ रहा है आपका और जो मोबाइल नंबर को आ रहा है, सर देखिए क्या होता है, हमारे पास क्वालिफिकेशन होती है, हमारे पास स्टडी होती है, हम जिंदगी में खाना तो भगवान जो कृष्ण जी ने उनका भी किया हुआ, जो धरती में कीड़े रहते हैं, चींटियां रहती, उनका भी पेट भरते हैं भगवान, लेकिन हमारी कुछ इच्छाएं होती हैं, हम वेट करते रहते हैं कि हाँ चलो भगवान देगा, भगवान देगा, भगवान भगवान देता है, लेकिन काफी हद तक हमारे हाथ में होता है, राइट। वास्तु आप करते हैं, विपिन जी से बात करना। देखिए जिस टाइप का पर्सन हो पंकज जी, जी जी मैम, ठीक है, आप वास्तु में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो कम से कम आप अपना जो मोबाइल का नंबर है उसको वास्तु के अकॉर्डिंग ही लीजिए। ओके मैम। वास्तु का ज्ञान हमें कहाँ से, किसने देना है हमें? एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान किसने देना हमें? जुपिटर ने देना है, जी मैम, राइट। अगर आप नेम फेम चाहते हो, राइट, या फिर एक टीचर लाइन में जाना चाहते हो, तो फिर आप एक 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 नंबर सूर्य कह लीजिए। बाकी वास्तु की बात विपिन जी से कीजिए, अपने घर का थोड़ा वास्तु ठीक कीजिए और वास्तु का काम बढ़ाइए। और कोई क्वेश्चन आपका? नहीं मैम, और एक नंबर है मेरा, मतलब ये दो नंबर रखता हूँ, वो नंबर 9290 बोलिए, 9290 9290 9834 33, ये हमेशा मतलब वास्तु के लिए रखता हूँ नंबर, ये बेस्ट है नंबर, इससे काम आएगा। ओके मैम, ओके। हमेशा आपके नंबर के अकॉर्डिंग पीपल का पत्ता हमेशा वॉश करके गंगा जल से अपने पास रखना शुरू कीजिए। पीपल का पत्ता, पीपल का पत्ता वॉश करके उसपे स्वास्तिक बनाइए, चंदन से बनाइए, किसी चीज से बनाइए, अपने पास रखे। आपकी डेट ऑफ बर्थ को देख रही हो ना, एनर्जेटिक बहुत हो, सुबह उठते हो बहुत प्लान बनाते हो, मैं ये करूंगा वो करूंगा, एनर्जी वो क्रिकेट टीम वाली है आप में, बिल्कुल बिल्कुल, जो तब थी जी, जब क्रिकेट खेलते थे आप, बट फिर हाफ डे के बाद आप डंप हो जाते हो। बिल्कुल सही बोला मैडम आपने, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये नंबर ज्यादा यूज कीजिए, जो पहले वाला नंबर है उसको यूज ना कीजिए। ओके ओके राइट। और अगर
नंबर्स के अकॉर्डिंग आपको वीआईपी नंबर कौन सा आपके काम के लिए वास्तु के लिए आपको काम चाहिए तो आप विपन जी से मेरी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं. ठीक है मैम, ठीक है मैम, राइट, थैंक यू वेरी मच मैम. जय श्री कृष्ण जी. नेक्स्ट कॉल ले रही हूँ मैं. यस सर हैं ऊपर. मी एम आई एन मिनिंदर सर. एम आई एन से मनिंदर है क्या? मनदीप सर आप मुझे देख रहे हैं? आप बात आपसे बात कर रही हूँ मैं. मेरे मेरी मेरी बात हो गया? यस 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 आपकी. नमस्कार जी, जय श्री कृष्ण. हाँ जी, मेरा फोन नंबर बताऊं आपको जी? 9 4 9 4 6 7 6 7 8 0 8 0 9 4 9 4 6 2. डेट ऑफ बर्थ? 1st November 1965. सर लग्जीरियस तो हमेशा रही आपके पास? हाँ जी. डन, ठीक है. जब पैदा हुए तब से लेके अभी तक लग्जीरियस आपके साथ रही है? हाँ जी. राइट, लेकिन कहीं ना कहीं आपका पैसा जो डूबा है वो आपके कारण डूबा होगा, बिजनेस के अकॉर्डिंग या फिर शेयर मार्केट अकॉर्डिंग या फिर कहीं ना कहीं आपने पैसा खराब किया होगा. बिजनेस नहीं खराब हुआ जी, लोगों ने पैसा खा लिया मेरा. गलत जगह लगा दिया होगा पैसा कहीं ना कहीं. चलिए बताइए आपका क्वेश्चन. बस मेरा फाइनेंस को लेके है जी, प्रोफेशनल को लेके. मैं क्या काम करते हैं आप? मेडिसिन का काम था जी पहले तो मेरा. मेडिसिन का काम है? 1965 9 1 10 16 5 नवंबर. सर जो मेडिसिन का काम है लास्ट 5 ईयर आपका डंप बहुत हुआ है. 5 साल से खराब है. 5 साल पहले आपका टोटली डाउन गया है मेडिसिन का काम, लेकिन 5 साल से पहले आपका मेडिसिन का काम ठीक होगा? हाँ जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक हुआ था. ठीक है, अब क्या है कि ये 5 साल आपका काम खराब क्यों गया? आपका मोबाइल नंबर और आपकी डेट ऑफ बर्थ को प्लस करती हूँ तो टोटल आप अपने मोबाइल में 9 और 7 नंबर लीजिए. देखो मेडिसिन का काम है ये आपका, कम से कम अगर डेट ऑफ एक नंबर बोलिए 1 से लेकर 254 तक. 146 146. दो नंबर चंद्रमा का आ गया और 2023-24 पे जाके आपका मेडिसिन का काम बहुत बढ़िया हो जाएगा सर. इस साल थोड़ा डंप रहेगा, मतलब ये नहीं कि इतना लॉस रहेगा, इस साल लॉस नहीं रहेगा, थोड़ा बैलेंस चलेगा, लेकिन 2024 में आपका मेडिसिन का बिजनेस अच्छा हो जाएगा. और अभी आप कोई ना कोई प्लान कर रहे होंगे मेडिसिन में कुछ ना कुछ कोई नई मेडिसिन इन्वॉल्व करने के लिए, सच बताना. नहीं सही बताऊं तो मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं, मेडिसिन का बिजनेस कंटिन्यू रखूं या इसको बंद कर लूं? सर देखिए अगर तो आपके पास कोई नया बिजनेस है फिर तो उसको पकड़िए, अदरवाइज पूरी आप डेट ऑफ बर्थ और टाइम विपन जी से डिस्कशन कीजिए, पूरी आपकी कुंडली को देख के आपके मोबाइल के नंबर के साथ अटैच करके फिर पता कर पाएंगे कि इस काम को कंटिन्यू रखेंगे कोई और शुरू कर लें. लेकिन हाँ लॉस है, लॉस 5 साल हुआ, लेकिन 2023 में बैलेंस होगा, लेकिन 24 में जाके यही मेडिसिन का काम आपका बढ़ जाएगा. राइट, यह आपको खराब आपके नंबर ने है मोबाइल नंबर ने, उसको ठीक कर लीजिए. ठीक है ठीक है, जी ओके थैंक यू. हाँ जी अगली कॉल ले रही हूँ. राम जी मैं बोल रही हूँ. राम जी हाँ बोलिए. राम जी 29/7/1959 मेरा जन्म है. 5 बजे 29 जुलाई 1959 हाँ 59. मोबाइल नंबर है मेरा, दो मोबाइल नंबर है. हाँ जी, दोनों का जोड़ कितना आता है? मैं तो जोड़ा नहीं सिस्टर. चलो बोलिए मोबाइल नंबर बोलिए. 6289 58 6289 58 5 7 5 5 7 5. देखिए सर इंटेलिजेंट तो आप बहुत हो राम जी, राम जी का नाम है, राम जी की तरह ही चलते होंगे आप जिंदगी में. ठीक है तो अब आप अपना मुझे क्वेश्चन बताइए कि आपका क्वेश्चन क्या है. बस मैं थोड़ी सी उलझन में हूँ, आगे बढ़ पाऊंगा कि नहीं. सैनिटी का काम करता हूँ सिस्टर. अच्छा. सैनिटी में कुछ
वो नल वाल जो होती है ना सेंट्रीगा राइट सेंट्रीगा रंग इसमें आगे बढ़ पाऊंगा कि नहीं, क्या करना है, कैसे क्या करना है, ये नंबर सही है कि नहीं। एक नंबर और भी है वो मैं बता देता हूँ आपको। बोलिए दूसरा नंबर बोलिए। 82 72 97। सर दोनों नंबर बदलिए अपने। सेंट्री में अगर काम में आगे बढ़ना है आपने तो पानी का काम है, चंद्रमा का काम है, आगे वाला नंबर जो आप लोगे राम जी, दोनों नंबर बदलिए। दोनों नंबरों को बदल के विपन जी से बात कीजिए और आपको कौन सा नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग सिलेक्ट रहेगा। आपके ऊपर जिम्मेदारियां ज्यादा है लेकिन सेंट्री का काम के अकॉर्डिंग आपके गुजारे नहीं हो रहे। हाँ। ठीक है राम जी जी। और अगर इसी काम को आप लटकते रहे तो जिंदगी में खर्चे हमारे बहुत ज्यादा होते हैं। आप दोनों नंबर्स को 6 डिजिट से शुरू हो रहा है चंद्रमा के साथ। 8 नंबर शनि ने आपका काम स्लो कर दिया, मेहनत का फल आपको नहीं मिल रहा। दोनों नंबर चेंज कीजिए और विपन जी से बात करके अपॉइंटमेंट लेके नंबर आप सिलेक्टेड नंबर लीजिए राम जी। एक नंबर और वो देख लीजिए। बोलिए। 700। हाँ जी। 700। हाँ जी। 3876। रहने दीजिए सर, तीनों नंबर आपके बेकार हैं। अच्छा। राम जी देखिए जिनका नंबर सही है मैं उनको बोल देती हूँ चेंज करना नहीं है। और इतने लोग अभी 3-4 लोग निकल गए, मैंने उनको नंबर चेंज करने के लिए नहीं बोला। लेकिन राम जी आपकी जो मुझे लाइन है ना, मेरी बात सुनी है, सेंट्री के काम को ठीक करने के लिए इन तीनों नंबर को चेंज कीजिए। आप विपन जी से बात करना। यस, आप अपने नंबर में स्टार्टिंग में 99 लीजिए राइट, और पीछे अपने नंबर में आप हो सके तो 5-5 लीजिए राइट। बाकी का डिस्कशन आप विपन जी से कर लेना, आपके तीनों नंबर चेंज कीजिए। गुड इवनिंग। चलिए नेक्स्ट कॉल लेती हूँ मैं। गुड इवनिंग मैम, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था मैम। अच्छा हाँ जी, आपसे बात हो रही थी। हाँ जी हाँ जी बोलिए। कोर्स के बारे में थोड़ा सा रिपीटेशन कर दें, मेरे को मैसेज आ रहे हैं काफी, तो जी बोलिए। बारे में अपना बता दीजिए कितने दिन का कोर्स रहेगा, वो कैसा कैसा है। कोर्स का पूछ रहे हैं आप विपन जी? जी मैम, जी मैम। कोर्स के लिए मैं ये बात बोल रही हूँ कि हमारा 5 तारीख को डिप्लोमोलॉजी का ये एक क्लास शुरू हो रही है जो 7 डेज की क्लास होगी। अगर 7 डेज में आप लोगों को कहीं कुछ समझ नहीं भी आ पा रहा तो उसमें 1-2 दिन ऊपर भी हो जाएंगे तो कोई बात नहीं। तो जो कि 1301 उसमें 7 डेज की फीस रहेगी, उसमें मैं डेट ऑफ बर्थ और आपके मोबाइल को कैसे आप अपने लिए लक्की बना सकते हैं, कैसे अपनी लाइफ को ठीक कर सकते हैं, तो वो पूरा डिस्कशन रहेगा। और उसमें मोबाइल न्यूमरोलॉजी की ही क्लास रहेगी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी ही सिखाऊंगी मैं। चमत्कार है, नंबरों का चमत्कार है, चाहे आपको हेल्थ इश्यूज है, चाहे आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, कुंडली वास्तु और आपके नंबर्स, इन्होंने ही आपको ठीक करना है। नहीं तो भाई नंबर नहीं चेंज करना तो मेरा तो कुछ जाने वाला है नहीं, चलते रहो आप ऐसे राइट। तो क्लास 5 तारीख से शुरू होगी, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो विपन जी से कांटेक्ट कर ले, और जो लोग सिर्फ अपना मोबाइल नंबर ठीक करवाना चाहते हैं वो मेरी अपॉइंटमेंट लेनी राइट। चलिए अगली कॉल लेते हैं हम। हाँ जी मैम, आपसे बात हो रही थी मेरी। जी डिस्कनेक्ट हो गए थे मैम आप। हाँ जी हाँ जी बोलिए। आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गई है मैम फिर से। चलिए नेक्स्ट कॉल लेती हूँ। हेलो। हाँ जी नेक्स्ट कॉल ले रही है जी आप नीरू। हाँ जी मैम। जी हाँ जी मैम। हाँ जी मैम, नमस्कार मैम। मेरा फोन नंबर है 669-253-3035 एंड माय डेट ऑफ बर्थ। मुझे थोड़ा सा डिप्रेशन सा होता है, आई डोंट नो, पर आप मेरा डेट ऑफ बर्थ भी चेक कर लें। बोलिए मैम। February 1987। मैम देखिए अगर आपको डेट ऑफ बर्थ को देखो आपको लोगों को डिप्रेशन में भेज दें आप कैसे चलेंगे। मैं अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ को देख रही हूँ आप तो लोगों को डिप्रेशन में भेजने वाली हैं, आप कैसे चलेगी।
मैं भेजती हूँ डिप्रेशन? मैम जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है 9 नंबर आ रहा है, आप एक बहुत एनर्जेटिक वुमन हो, मंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हो आप, ठीक है? मंगल वाला बंदा खुद कभी डिप्रेशन में नहीं जाता। आप कौन सी ऐसी बात है वो पर्सनल टॉक आप विपिन जी से कर लेना, या फिर अपना मोबाइल नंबर आपका बिल्कुल ठीक है मैम, फाइनेंशियल के अकॉर्डिंग देख रही हूँ, पैसे की आपको दिक्कत नहीं होगी, कहीं ना कहीं से आपका पैसे का कोई ना कोई रास्ता निकल आया होगा। लेकिन अगर आप डिप्रेशन में जा रही हैं, अगर आपका मोबाइल नंबर ठीक है, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ ठीक है, तो व्हाट इज द प्रॉब्लम एंड वेयर इज द प्रॉब्लम? अगर न्यूमरोलॉजी भी ठीक है, आपका मोबाइल नंबर भी ठीक है, आपकी डेट ऑफ बर्थ भी ठीक है, तो यू हैव टू चेंज योर लाइक स्लीपिंग। आप यहाँ पे सो रही है 101% आप नॉर्थ की तरफ सो रही होंगी। विपिन जी से बात कीजिए, अपने बेड को चेक कीजिए कि कहीं आपका जो सर है वो नॉर्थ की तरफ तो नहीं है। नहीं, पहले था, सर ने बताया था, मैं साउथ साउथ वेस्ट की साइड में सो रही थी। हाँ, तो मैम साउथ साउथ वेस्ट, नॉर्थ, ये सारे मैम डिप्रेशन जोन है। तो अब आप किस तरफ सो रही हैं? अब मैं ईएनई में सो रही हूँ। गुड, ईएनई इज वेरी बेस्ट। अदरवाइज आपको बिजनेस चाहिए और इसके साथ साथ आपको बिल्कुल ही डिप्रेशन ठीक करना है, विपिन जी बहुत परफेक्ट बताते हैं, अदरवाइज साउथ की तरफ सिर करके सोएंगी तो आपको आपके पितरों की ब्लेसिंग भी आएगी। थैंक यू मैम। राइट, डिप्रेशन डिप्रेशन कुछ नहीं होता मैम, दिस इज द मैनिफेस्टेशन। मैं डेली सोची जाऊंगी ना, मैं बीमार हूं। इतने सुंदर हो आप लोगों को डिप्रेशन में भेजो, आप नहीं जा रहा डिप्रेशन में। वर्क कीजिए, काम कीजिए, एंड यू हैव टू थिंक। मैम एक बात बोलूंगी, लाइफ आज की 80 years है, 80 साल, लोग 40-40 साल में उड़ रहे हैं। क्या आप कुछ लेके आए हो दुनिया में, या कुछ लेके जाओगे? सब कुछ ठाकुर जी का है, कण कण में ठाकुर जी हैं। डिप्रेशन मैम, अगर चलो कोई हमें हेल्थ इश्यूज आ गया, कैंसर हो गया है, या फिर हमारा ब्रेन है, तो बीमारी समझे। डिप्रेशन शब्द से तो मुझे नफरत ही बहुत है, होना ही नहीं चाहिए डिप्रेशन। ये सोचो कि हम दूसरे को डिप्रेशन में भेजें, वो कैसे सुंदर बनो। कई लोग जलने सड़ने वाले होते हैं, सुंदर सुंदर कपड़े पहनो, मेरे से तो बहुत लोग जलते हैं, मैं तो पता नहीं कितने लोगों को डिप्रेशन में भेजती हूँ। आप भी यही काम शुरू करो। थैंक यू मैम। राइट, पॉजिटिव सोच रखो मैम, भगवान की शरण में रहो। कुछ भी नहीं है लाइफ में, जो दिया भगवान में उसमें खुश रहिए आप। राइट, और डिप्रेशन को बाय बाय कीजिए। थैंक यू। नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। आनंद सर। नमस्कार मैडम। हाँ जी मैडम। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 2/2/1982। 2/2/1982 और मोबाइल नंबर है 730-730-75-000013। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैडम मैं मोगा पंजाब से बोल रहा हूँ। अच्छा, मोगा से है, क्या करते हैं आप? एक्चुअली मैडम मेरा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है। ओके, 2/2/1982। क्वेश्चन आपका कोई सर? थोड़ा सा बिजनेस लटक लटक कर चलता है, कभी रुक जाता है, चल पड़ता है, रुक पर चल पड़ता है। 000 हटा दीजिए नंबर से। ओके। कंस्ट्रक्शन में के काम में हो, बिल्डर हो? हाँ जी, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर, 00 हटा दीजिए, 13 लास्ट आपका बढ़िया है, डेट ऑफ बर्थ आपकी पूरी प्लस करती हो, 18/19/24/6। बिजनेस पर रिप्रेजेंट कर रहे हो, कंस्ट्रक्शन का काम 2024 में बहुत बेस्ट हो जाएगा, इस साल थोड़ा डंप ही रहेगा। ओके राइट मैडम। एक नंबर मैडम मेरा और है, मैंने एक सब्स्टिट्यूट रखा है 9876-38013। सर आप कंट्रैक्टर हो, बिल्डर हो, गवर्नमेंट कंट्रैक्टर हो, वीआईपी नंबर लीजिए, इन नंबरों में कहां घुसे हुए हो? ओके, आप एप्टीट्यूड और कॉन्ट्रैक्ट आए कि ना आए? बिल्कुल आए जी, बिल्कुल आए। तो वीआईपी नंबर लीजिए ना, टॉक टू विपिन जी, विपिन जी से बात कीजिए, और आपके पास और कॉन्ट्रैक्ट आए, आप शनि को बलवान कीजिए, आप वीनस को बलवान कीजिए। राइट,
शनि देव ने आपको अच्छा काम देना और वीनस ने अच्छा काम देना है। अभी भी लाइफ आपकी बहुत अच्छी है, सर्जरी से बच के रहना किसी, राइट मैडम? मैडम सर्जरी से बच के रहना। कौन सा नंबर बेस्ट रहेगा? आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए विपन जी से, देन वी हैव टू टॉक, राइट? ठीक है मैडम, थैंक यू मैडम। जय श्री कृष्ण। चलिए जी, जय श्री कृष्ण सभी को। ओके जी, जय श्री कृष्ण। तो सभी से गुजारिश रहेगी, किसी को कोर्स करना होगा तो 1310 रुपए में 7 दिन का कोर्स रहेगा। अगर आपको किसी को मोबाइल न्यूमरोलॉजी का कोर्स करना है तो वो 1310 रुपए में रहेगा। 5 तारीख को हमारी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, 7 दिन का कोर्स रहेगा। हो सकता तो हम आपको 9 डेज भी लगवा देंगे अगर आपको नहीं समझ आया। और एक बात और है, अगर आप ग्रुप में हमारे साथ जुड़ते हो, आपको ग्रुप से कभी निकाला नहीं जाएगा, चलो। और किसी का कोई क्वेश्चन हो, चाहे वो ज्योतिष से संबंधित हो चाहे वास्तु से संबंधित हो, तो उसकी प्रॉब्लम का हल मैं कर सकता हूँ। किसी का ज्योतिष और वास्तु से किसी तरह का भी कोई भी क्वेश्चन सर, वास्तु से रिलेटेड